दोस्तों दाहिने साइड वाला जो गली देख रहे हैं ये आपका चला जाएगा गोला दीनानाथ। और अभी मैं आ चुका हूँ वाराणसी के लोहटिया मार्केट में। जैसा कि आप देख रहे होंगे दाहिने और बाएं साइड में दुकान है, और इसी लोहटिया मार्केट में आपका बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच भी स्थित है। और इस मार्केट की बात की जाए तो इस मार्केट में जो घर में यूज होने वाला जो सभी सामान होते हैं, जैसे कि बर्तन हो गया, पाइप जैसा कि आप देख रहे होंगे, पीड़ा हो गया, और यहाँ पर जो सीकड़ हो गया, कंडाल, बाल्टी और बहुत से ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो कि घर में जो यूज होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और लकड़ी का भी जो आपका मंठा मारने के लिए एक जो लकड़ी का एक बना रहता है वो भी आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मार्केट में अगर बात किया जाए तो जो टेंट में यूज होने वाला जो बड़े बर्तन होते हैं वो भी आपको बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी से सटा हुआ मार्केट से आपका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, बड़ा गणेश मंदिर, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और सामने देख रहे ये है आपका शरद बहार रेस्टोरेंट, काफ़ी प्रसिद्ध है ये। और आगे ही बढ़ने पर देखेंगे तो बाएं साइड में आपका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज। और सामने आप देख रहे होंगे जो कि गाड़ियों से जो सामान उतर रहे हैं वही बगल में एक गली गया हुआ है जो कि सप्त सागर दवा मंडी के लिए चला जाएगा। और यहाँ से देखिए शुरू हो जाता है आपका पेंट की दुकान है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका नेरोलैक एशियन पेंट आपका बिकते हुए नजर आ रहा है। और सामने है आपका मैदागिन चौराहा जो कि बाएं साइड वाला रोड महामृत्युंजय मंदिर के लिए चला जाएगा, और दाहिने साइड वाला रोड आपका काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चला जाएगा और सीधे काल भैरव के लिए चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको घूमकर भी फिर से आपको दिखा देते हैं लोहटिया मंडी के नज़ारे, तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देख रहे हैं प्लास्टिक का आपका बाल्टी बिकते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि जो लकड़ी के भी जो बेलन वेलन होते हैं, चौका भी होता है, वो भी बिक रहा है इसमें। और जो जाली भी होता है यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे जाली, ये देख रहे हैं। तो दोस्तों यह था मेरा एक छोटा सा वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।